बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 16 सब्जेक्ट इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड आर यूनिट नंबर 3 फ्रॉम बुक साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम नोटबुक साइड। So today we will start unit number 4, where unit number 4 is Tariq bin Ziyad, a legend, historical figure, a brave man, Tariq bin Ziyad, जिनके बारे में मशहूर है कि वो बहुत बहादुर हुआ करते थे, बहुत बहादुर जंगजू थे। ये कहानी है, पहले तो हमें ये बताया गया कि पास्ट के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, जो इंट्रोडक्शन है इस यूनिट का, कि पास्ट के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों बुक्स में ये यूनिट्स रखे जाते हैं, क्यों लोगों को बताया जाता है कि माजी कैसा था। और उसके बाद तारिक बिन ज़ियाद की एक छोटी सी स्टोरी है कि उन्होंने स्पेन को किस तरह से कंकर किया, फ़तेह किया, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनके पास एक बहुत थोड़ी तादाद में जो है वो आर्मी थी, उनके आदमी थे जो उनके साथ जंग पर थे, लेकिन क्योंकि अल्लाह पर ईमान था, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और अल्लाह पर ईमान की वजह से और अपनी बहादुरी की वजह से उन थोड़े से लोगों ने किस तरह से बहुत बड़ी तादाद में दुश्मनों को शिकस्त दी और स्पेन को फतेह किया। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पेज नंबर 83, यूनिट नंबर 4, तारिक बिन ज़ियाद, इंट्रोडक्शन। व्हाई डू वी नीड टू नो हिस्ट्री, हमें क्यों ज़रूरत है कि हम तारीख के बारे में जानें। दिस इज़ द क्वेश्चन दैट इकोस डाउन एवरी स्कूल कॉरिडोर, इज हर्ड इन एवरी क्लासरूम एंड इज पोस्ड टू एवरी टीचर। मैं कहता है कि ये ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा सवाल है दैट इकोज, जो गूंजता है डाउन एवरी स्कूल कॉरिडोर, स्कूल के हर कॉरिडोर में, हर स्कूल में, क्लासरूम्स में सुना जाता है, टीचर्स इसको पूछते हैं, बोलते हैं इस बारे में। तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई पूछता है कि हमें हिस्ट्री के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। हिस्ट्री क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड वेरीफाइज द रूट्स। हिस्ट्री जो होती है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करती है, मतलब हमें पता चलता है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं और रूट्स कहाँ पर हैं, हमारी जड़ें कैसी हैं और किधर हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वैल्यूज एंड कल्चर। ये हमें इंफॉर्मेशन देती है, मालूमात देती है हिस्ट्री पास्ट वैल्यूज़ के बारे में, कि हमारे माजी के क्या इकदार हैं और हमारी सकाफत क्या है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। मिस्टेक्स कमिटेड बाय अदर्स कैन बी व्यूड क्रिटिकली, गलतियाँ जो दूसरे लोगों ने की, हम उनको तनकीदी नज़र से देखते हैं एंड कॉन्टीन्यूसली और मुसलसल, सो दैट द प्रेजेंट जनरेशन कैन ट्रेड केयरफुली एंड नॉट मेक द सेम मिसजजमेंट्स। कि जो पुराने लोगों से, जो हिस्ट्री के लोगों से जो मिस्टेक्स हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, उनको हम तनकीदी नज़र से और मुसलसल देखते हैं, ताकि जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो आज के लोग हैं, वो बहुत केयरफुल रहें, वो फूंक फूंक के कदम उठाएं और वो गलत इकदामात ना करें, गलत नज़रियात अपने ना बनाएं। इफ़ वी लुक एट द वर्ड हिस्ट्री, अगर हम इस लफ्ज़ हिस्ट्री के बारे में देखें, इसको देखें, वी सी दैट इट इज़ रियली हिज स्टोरी। कि ये हम इसके बारे में कह सकते हैं, अगर इसको हम अलग अलग कर दें, इस वर्ड को छोटे छोटे पीसेस में बना दें, तो इसका मतलब बन सकता है कि हिज स्टोरी, कि उसकी कहानी। That is to say that history is mostly written by the victorious. इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो हिस्ट्री लिखी गई है, जो तारीख लिखी गई है, वो ज़्यादातर उन लोगों ने लिखी है जो जीत गए थे, जो विक्टोरियस थे, जो फातेह थे, उन लोगों ने लिखी है। टेल्स ऑफ वैलर, वैलर कहते हैं बहादुरी को, बहादुरी की कहानियाँ एंड कॉन्क्वेस्ट और फतेह आर प्रेजेंटेड, उसको बयान किया गया है, बहादुरी की कहानियों को और फतह को बयान किया गया है। एंड इज़ द विनर हु इज़ पोर्ट्रेड एज द काइंड एंड जेनरस लिबरेटर, और पोर्ट्रे किया गया है कि जो जीतने वाला है
वो ही आजादी दिलाने वाला है, वो ही मेहरबान है। मतलब हिस्ट्री, वो कह रहा है कि हिस्ट्री में जो है वो हमेशा जो लोग फाते रहे हैं उनके बारे में बताया गया है, और जो फाते है उसके बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही काइंड है, आजादी दिलाने वाला है। द लूजर आर डिस्पोट्स, जो लूजर्स हैं वो जालिम हैं, वो जाबिर हैं। डिस्पोट्स कहते हैं जालिम को, एंड क्रूअल, और बहुत ज्यादा जालिम है कि जाबिर और जालिम हैं जो लूजर्स हैं, कि जो जीते हुए हैं उनको हमेशा बहुत काइंड दिखाया गया है और जो हारे हुए हैं उनको हमेशा डिस्पोट्स दिखाया गया है। हिस्ट्री इज देयर फॉर वन पर्सन्स बायस और प्रोपेगेंडा। हम कह सकते हैं कि जो तारीख है वो किसी एक इंसान के तासुब पसंदी के पे लिखी जाती है। देयर आर वेरी फ्यू फैक्ट्स, बहुत कम फैक्ट्स होती हैं, मतलब हकीकत बहुत थोड़ी होती है उसके अंदर। इट इज़ ओनली बाय केयरफुली रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, कि जो लाइन्स हैं उनमें केयरफुली जो है वो बताया गया है, दैट वन कैन गेट अ ट्रू पिक्चर ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड, के लाइन्स में बहुत ही कम बताया गया है, मतलब हकीकत की तस्वीर बहुत कम दिखाई गई है, हकीकत बहुत कम बताई गई है लाइन्स में। हिस्ट्री में हमारी में ज़्यादातर जो है वो सिर्फ जो बताया गया है कि अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें शामिल कर दी गई हैं। A prime example of this is the history of Musa alayhi salam and Ramses II. कि इसकी एक बेहतरीन मिसाल, एक prime example क्या है, अज़ा मूसा अलैहि सलाम और रैमसेस II की example है। रैमसेस फिरौन। The Egyptian records tell that Ramses II was a kind and benevolent ruler. कि जो मिस्र के record हैं, इजिप्ट कहते हैं मिस्र को, कि जो मिस्र के रिकॉर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग जो रैमसेस टू है वो बड़ा ही काइंड था और बड़ा ही अच्छा रूलर था, सरदार था, हाकिम था। द कुरान एक्यूरेट एंड अनक्वेश्चनेबल, कि कुरान पाक जो कि बहुत ठीक है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, स्टेट्स दैट इट वाज एक्चुअली अ वेरी क्रूअल किंग who enslaved the Jews. तो कुरान पाक हमें ये बताता है कि ये जो किंग है रैमसेस टू, ये असल में बहुत ज़्यादा जालिम है, वो enslaved, जिसने ग़ुलाम बना लिया था Jews, यहूदियों को, किसने यहूदियों को अपना ग़ुलाम बना लिया था, ये बहुत ज़्यादा जालिम था। मूसा अलैहिस्सलाम on Allah subhanahu wa ta'ala's command rescued Bani Israel from his evil clutches. कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की कमांड पर, अल्लाह ताला के हुक्म पर बनी इसराइल को उसके कब्जे से बचाया, बुरे कब्जे से बचाया। किसके बुरे कब्जे से? रैमसेस टू के, फिरौन के। इनफैक्ट द इसराइलिटीज वर द स्लेव्स दैट द इजिप्टियंस बिलीव्ड दे हैड राइटफुली इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फोर फादर्स। व्हाट अ डिलेमा। वो कहते हैं कि इनफैक्ट जो इसराइल के जो लोग थे, इसराइलिटीज जो थे, वर द स्लेव्स, वो गुलाम थे, दैट द इजिप्टियंस, के जो इजिप्ट के लोग थे मिस्र के, वो बिलीव करते थे कि वाकई हमारे इनहेरिट किया गया है ये सब कुछ फोर फादर्स, हमारे बाबा अजदाद से। व्हाट अ डिलीमा, कितने दोनों ही दोनों तरह से ये चीज़ मुश्किल थी। डिलीमा कहते हैं मुश्किल को, कि चीज़ बहुत मुश्किल थी। द कुरान इन्फॉर्म्स, कुरान पाक हमें ये इन्फॉर्म करता है, हमें बताता है, अल्लाह promised to those among you who believe and work righteous deeds that he will of a surety grant them in the land inheritance as he granted it those before them. कि अल्लाह पाक ने तुमसे ये वादा किया है कि अगर तुम सही काम करोगे तो तुम्हें पावर दी जाएगी जमीन पर, और तुम्हें वही सब कुछ दिया जाएगा जो तुमसे पहले वालों को दिया गया था। He will establish in authority their religion, कि वो तुम्हारे मजहब को अथॉरिटी बना देगा। The one which he has chosen for them, उसी मजहब को जिसको उनको जो उसमें से चुन लिए गए हैं। And that he will change their state after the fear in which they lived to one of security and peace. उसी जगह को बदल देगा तुम्हारे लिए और वहाँ पर तुम्हारे लिए सिक्योरिटी ले आएंगे और वहाँ पर तुम्हारे लिए अमन, मतलब पीस ले आएंगे।
The assurance here is given to only those who do good to mankind. यहाँ पर बेहतरी की जो assurance है, जो यकीन दहानी है, वो सिर्फ उन लोगों को दी गई है जो इंसानियत में अच्छे काम करेंगे, जो बेहतरीन काम करेंगे, उनको ये श्योरिटी दी गई है कि उनके मजहब को फैला दिया जाएगा और उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको अमन दिया जाएगा. If Muslims fail to meet these requirements, अगर मुसलमान नाकाम हो जाते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो कुरान पाक में दी गई हैं, जो अल्लाह पाक ने बताई हैं, लेड डाउन बाय द कुरान, दे विल फेल, तो वो फेल हो जाएंगे, एज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय हिस्ट्री, जैसे कि हिस्ट्री में बयान कर दिया गया है कि एश्योरेंस क्या है. ये एश्योरेंस जो है, ये यकीन दहानी सिर्फ उन लोगों को करवाई गई है जो कि नेक काम करें, जो अच्छे काम करें. और अगर मुसलमान भी हैं चाहे, लेकिन अगर वो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते, मतलब अगर वो अच्छे काम नहीं करते अकॉर्डिंग टू कुरान पाक, तो वो भी फेल हो जाएंगे जैसे कि हिस्ट्री में बाकी लोग हुए. अच्छा, अब मैं ज़रा थोड़ी सी ना आपको रैमसेस टू की हिस्ट्री बता दूँ. रैमसेस टू फिरऔन को कहते हैं. बेटा, रैमसेस टू इज़ ऑल्सो नोन एज फिरऔन ऑफ द 19th डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट, कि 19वीं जो पीढ़ी कहते हैं, 19वीं जो उनकी एक औलाद चलती आ रही थी, उसमें से रैमसेस टू जो है वो मौजूद है, नॉन एज मोस्ट पावरफुल किंग. और ये बड़ा पावरफुल किंग था, ठीक है. इसके बारे में, रैमसेस टू के बारे में ये भी कहा जाता है कि ही इज नॉन एज द 8th मोस्ट चिल्ड्रन इन द हिस्ट्री, कि ये हिस्ट्री में 8वां आदमी था जिसके सबसे ज़्यादा, जिसकी औलाद सबसे ज़्यादा थी, मतलब 48 to 50 उसके सन थे एंड 40 to 53 उसकी डॉटर्स थी. तो ये हिस्ट्री में रैमसेस टू के नाम से, मतलब फिरऔन के नाम से ही जाना जाता है, फिरऔन की ही आगे नस्ल चली थी ये, तो उसके बारे में बताया गया है. ये तो था हिस्ट्री के बारे में कि हमें हिस्ट्री जानना क्यों ज़रूरी है. नंबर वन, हमें हिस्ट्री जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता चले हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी बिलोंगिंग्स क्या हैं, रूट्स किधर से निकल रही हैं हमारी. सेकंडली, हमें पता चले कि क्या गलत है और क्या सही है. फिर हमें कुरान पाक से भी मदद लेनी चाहिए क्योंकि हिस्ट्री में उन्होंने खुद ही बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें गलत बता दी जाती हैं. मतलब जो हमेशा फाते होता है उसको ही काइंड दिखाया जाता है और जो हारने वाला होता है उसी को जालिम दिखाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है. फिरऔन की मिसाल ले लें, फिरऔन को इसमें दिखाया गया, बताया जाता है कि फिरऔन बड़ा काइंड था, जबकि इजिप्ट की जो रिकॉर्ड्स हैं, मिस्र के जो रिकॉर्ड हैं, उनके अकॉर्डिंग फिरऔन बड़ा, जो रैमसेस टू था वो बड़ा काइंड था, बेनेवोलेंट था. लेकिन अकॉर्डिंग टू कुरान पाक, क्योंकि कुरान पाक से बढ़कर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अनक्वेश्चनेबल बुक है, तो अकॉर्डिंग टू कुरान पाक हमें हकीकत का ही पता चला कि वो तो बड़ा ही जालिम था. तो इसलिए भी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट स्टार्ट रीडिंग पेज नंबर 84, पार्ट 1, लहज 92 AH, अगस्त 711 CE. जो ये जुलहज है, ये इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग डेट बताई गई है और CE ग्रीगोरियन कैलेंडर है, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. अमार, हरी अप, वी शुड हैव रीच्ड अल अज़हर यूनिवर्सिटी बाय नाउ, येल्ड बिलाल फ्रॉम द डोरवे. बिलाल भागता हुआ आता है दरवाजे से, अमार को कहता है कि अमार जल्दी चलो, हमें अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो है वो जल्दी से पहुंचना है. बेटा, अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो है ये इजिप्ट के शहर कायरो में है, यूनिवर्सिटी नेम है. दे वर बोथ फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका, वो दोनों नॉर्थ अफ्रीका से हैं, एंड वर ऑन एन एक्सचेंज प्रोग्राम टू कम्प्लीट देयर स्टडीज एट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी. कि वो दोनों नॉर्थ अफ्रीका से आए हैं और एक्सचेंज प्रोग्राम, जो स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू वो आए हैं यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए. आई विल बी राइट देयर, लेट मी डू माई एब्लूशन, रिप्लाइड अमार. मतलब मैं यहाँ थोड़ी देर में ही आ जाऊँगा, मुझे अपना वजू पूरा कर लेने दो, अमार उसको रिप्लाई करता है. सब्सिक्वेंटली द टू हेडेड आउट ऑफ द डोर एंड वर well on their way to their class when they were caught up in a crowd of people. कि जब वो भाग रहे होते हैं, दरवाज़ा निकलते हैं, अपनी क्लास की तरफ भाग रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर देखते हैं कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक जगह पर इकट्ठे हुए हुए हैं, क्राउड है लोगों का, रश है. दे हैड बीन एन एक्सीडेंट, यहाँ पर शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है, एंड
शुरते, शुरते कहते हैं पुलिस को, वर नॉट लेटिंग एनी वन थ्रू, कि वहाँ पर पुलिस आई हुई और वह किसी को भी आगे नहीं जाने दे रही है। अमार वॉज ट्राइंग टू फाइंड एन एले, कि कोई भी तंग रास्ता जो है वो अमार कोशिश कर रहा है कि वो उसको वहाँ से ढूंढ सके। दे कुड कट अक्रॉस टू रीच देयर डेस्टिनेशन व्हेन ही स्पॉटेड अ विजेंट ओल्ड मैन सिटिंग बाय द रोड, कि वो ये देखता है कि एक आदमी बैठा हुआ है, पुरुषकन उसके कपड़े हैं और वो रोड के किनारे पर बैठा हुआ है। लीनिंग ऑन अ ग्रे मार्बल वॉल ऑफ अ मस्जिद, मस्जिद की ग्रे मार्बल की जो वॉल है उसके साथ टेक लगा के बैठा हुआ है। ही टक्ड ऑन बिलाल्स स्लीव एंड पुल्ड टूवर्ड्स द फकीर, कि वो बिलाल के जो स्लीव उनको खींचता है और उसको उस फकीर के पास ले जाता है। फकीर लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज डिस्टिट्यूट एंड इज फोर्स्ड बैक फॉर लिविंग, एक ऐसा इंसान फकीर कहते हैं उस एक ऐसे इंसान को जो बेसहारा हो और उसको फोर्स किया जाए लोगों को से मांगने पर अपनी जिंदगी को जीने के लिए। सेकंड पैराग्राफ, अस्सलाम वालेकुम, यू लुक वेरी फैमिलियर, आप मुझे बड़े जाने पहचाने लग रहे हैं। आई एम श्योर आई हैव सीन यू समवेयर, मेरा ख्याल है बल्कि मैं यकीन हूँ कि मैंने आपको कहीं देखा है। Who are you? आप कौन हो? प्लीज जमार अमार क्वेश्चन करता है। नो मैटर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई मसला नहीं, ये ज़्यादा अहम नहीं है। जस्ट प्रे फॉर माई डिलीवरेंस डियर सन, सिर्फ मेरी निजात के लिए दुआ करो मेरे प्यारे बेटे। डिलीवरेंस होता है निजात, रिप्लाइड द ओल्ड मैन क्वाइटली, ओल्ड मैन जो होता है वो बड़े सुकून से बड़ी खामोशी से जवाब देता है कि मेरी सिर्फ निजात के लिए दुआ करो। Why are you sitting here? आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? Shouldn't you be with the old other senior citizens on the came that take you to the campus? कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? क्या आप दूसरे सीनियर सिटीजन्स के साथ कैंपस की तरफ नहीं जाएंगे? इंक्वायर्ड बिलाल, बिलाल पूछते हैं अल्लाह मे रिवार्ड देम अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ देयर डीड्स एंड ऐड सम मोर आउट हिज ग्रेस, फॉर अल्लाह प्रोवाइड्स फॉर दोज होम ही विल विदाउट मेयर। वो कहते हैं कि अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारे हिसाब से, नेकियों के हिसाब से तुम्हें अजर दे, और वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है, और फॉर अल्लाह प्रोवाइड्स फॉर दोज होम ही विल विदाउट मेयर, और अल्लाह जिसको चाहता है उसको देता है किसी मेयरमेंट के बगैर, किसी माप तोल के बगैर। रिसाइटेड द वॉइस टायर्ड लुकिंग ओल्ड मैन, बड़े ये सारी बातें जो हैं वो उस बूढ़े थके हुए इंसान ने की। आई एम हेयर टू कम्प्लीट माई लास्ट ड्यूटी टू अल्लाह, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मेरी आखिरी जो फ़र्ज था अल्लाह के अकॉर्डिंग उसको पूरा करने के लिए, दैट्स ऑल, सिर्फ यही है। ही देन इमिडिएटली कवर्ड हिज एंकल विद हिज येलोइंग वॉर्न आउट ब्लैंकेट, बट नॉट बिफोर बिलाल कॉट अ ग्लिम्स ऑफ रस्टी मेटल एंड हर्ड द क्लैंग ऑफ अ चेन, कि उसने फिर जल्दी से अपने एंकल टखने को जो है वो ढांपा, उसके पास जो येलो कलर का फटा हुआ ब्लैंकेट था उससे, लेकिन इससे पहले कि वो उसको ढांपता बिलाल ने जल्दी से एक जब नज़र डाली तो उसने देखा कि उसने एक मेटल का कुछ पहना हुआ है, चेन सी है, और उसकी उसने आवाज़ भी सुनी। आई नो, मैं जानता हूँ, एक्सक्लेम्ड अमार विद अ लुक ऑफ रिकॉग्निशन ऑन हिज फेस, अमार जो है वो बड़ी एक जानी पहचानी से उसकी लुक आती है फेस पे, वो कहते हैं कि हाँ अब मैं जान गया, यू आर मूसा इब्ने नसर, तो मूसा इब्ने नसर हो ना, द गवर्नर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका के गवर्नर हो, हु हैव बीन टू आवर होम फॉर डिनर वंस, जो हमारे घर भी एक बार आया था डिनर करने के लिए। यस माई सन, आई एम कैलिफ सुलेमान, हैज इम्प्रिजन्ड मी बिकॉज ही इज अफ्रेड दैट आई वॉज ओवर थ्रो हिम, यस माई सन, हाँ मेरे बेटे मैं ही हूँ, और खलीफा सुलेमान ने मुझे कैदी बना लिया इस डर से कि कहीं मैं उसकी खिलाफत ख़त्म ना कर दूँ। ही हैज़ रिफ्यूज टू इन्फॉर्म माई सन सो दैट दे मे नॉट फाइनेंस my releasing, now I'm forced to beg so I can collect enough funds myself and be released from prison. Confirm Musa. Musa confirm करता है कि हाँ कैलिफ सुलेमान ने मुझे पकड़ा है और उसने refuse कर दिया है कि वो मेरे बेटों को भी इस बारे में नहीं बताएगा कि मुझे पकड़ा जा चुका है, क्योंकि अगर बेटों को पता चल गया तो वो कहीं finance दे के जो एक रकम होती है कि रकम दे के कैदियों को छुड़ाना, तो वो कहीं छुड़ा ना लें, और मुझे फोर्स किया गया है कि मैं मांगूँ, बैठ कर फ़कीर बनूँ, लोगों से मांगूँ और फिर अपने लिए पैसा इकट्ठा करूँ और अपने आप को आज़ाद करवाऊँ। He looked extremely wrinkled, worn out, very difficult from when
अमार हैड सीन हिम लास्ट, कि जिस तरह से अमार ने उसको लास्ट टाइम देखा था उसकी नस्बत अब ये बड़ा बूढ़ा लग रहा था और बड़ी बुरी हालत में था। हाउ डिड यू एंड अप इन प्रिजन, आप किस तरह से कैदी बने, आस्क बलाल, बलाल ने पूछा। लिसन माई सन इफ यू आर रेडी, सुनो मेरे बेटे अगर तुम तैयार हो, आंसर्ड मूसा एंड स्टार्टेड दस, मूसा ने जवाब दिया और अपनी कहानी को स्टार्ट किया। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ 7,000 फेयरलेस मुस्लिम मैन, कि ये कहानी है 7,000 बेखौफ मुसलमानों की, ऑफ अ हीरोइक स्लेव ओन्ड बाय माई सेल्फ मूसा इब्न नसर, कि ये कहानी है 7,000 बेखौफ मुसलमानों की और एक बहादुर कैदी की जो मैं खुद हूँ, मूसा बिन नसर, ऑफ अ फ्लीट सेट ब्लेज। फ्लीट कहते हैं बेटा एक साथ सफ़र करने वाले जो जहाज़ों का बेड़ा होता है ना उसको कहते हैं, ब्लेज कहते हैं जलता हुआ, कि मेरे साथ एक फ्लीट था पूरा जलता हुआ। ऑफ अ क्राउडली विजिगोथ किंग, विजिगोथ कहते हैं ट्राइब है, एक कबीला है, उसके जो किंग था बादशाह था, एंड द अनफ्लडरिंग बिलीफ ऑन अल्लाह सुबहान व तआला, अल्लाह पाक पर ना ख़त्म होने वाला यकीन था कि मैं था, मेरे साथ 7,000 बहादुर मुसलमान थे और जहाज़ों का बेड़ा था, ट्राइब था विजिगोथ का और हमारे साथ अल्लाह पाक पर ईमान था। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ तारिक बिन ज़ियाद, ये कहानी है तारिक बिन ज़ियाद की, माई बिलवर्ड स्लेव, मेरा बड़ा प्यारा गुलाम, हु विल बी रिमेम्बर्ड इन हिस्ट्री फॉर हिज वैलियंट फाइटिंग एंड अनप्रेसिडेंट एक्सपीडिशन इन कंक्वरिंग अलंदलस स्पेन, कि ये कहानी है मेरे बहुत ही बहादुर सिपाही तारिक बिन ज़ियाद की, जिसको हिस्ट्री में याद रखा जाएगा उसकी बहादुरी की वजह से, बेमिसाल उसके सफ़र की वजह से, और उसने जिस तरह से अलंदलस मतलब स्पेन को कंकर किया उसकी वजह से उसको याद रखा जाएगा हर जगह पर तारीख में। Our story starts when I, the governor of North Africa, was approached by Count Julian of Spain with complaints of cruel treatment by the Visigoth King Roderick. कि ये कहानी शुरू होती है जब मैं जो नॉर्थ अफ्रीका का गवर्नर था, मेरे पास काउंट जूलियन आया स्पेन का और उसने बताया कि जो विजिगोथ का किंग रॉड्रिक है वो किस तरह से क्रूअल ट्रीटमेंट कर रहा है अपने लोगों से। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके नतीजे में आई डिस्पैच्ड, मैंने जो है वो भेजा जनरल तारिक बिन ज़ियाद विद एन आर्मी ऑफ 7,000 सोल्जर्स अक्रॉस द स्ट्रेट्स टू स्पेन इन 711 AC। तो इस चीज़ के नतीजे में मैंने मेरे पास जो जनरल था तारिक बिन ज़ियाद उसको मैंने 7,000 सिपाहियों के साथ भेजा स्पेन 711 AC में। जनरल तारिक वॉज अ सीजन्ड वॉरियर वेल नोन फॉर हिज इंडोमिटेबल कॉरेज एंड ब्रेवरी, कि तारिक बिन ज़ियाद जो है, जो तारिक है वो मेरा बड़ा अच्छा सिपाही था, जंगजू था, जो कि अपनी बहादुरी और अपनी बेकाबू हो जाने वाली वाले हौसले से जो बड़ा मशहूर था। ही वॉज ऑल्सो लुकड अपॉन एज अ हीरो, वो हीरो के तौर पर जाना जाता था बाय द सोल्जर्स सिपाहियों में, हु वर प्राउड टू सर्व अंडर हिज लीडरशिप, कि जो भी सिपाही उसके अंडर काम करते थे वो उनके लीडरशिप में बड़े अच्छे तरीके से बड़े बहादुरी के नाम के तौर पर जाना जाता था। The narrow stretch of sea separating Spain from the African coast was crossed by Tariq and his men in small boats. कि जब the narrow stretch sea, जब एक तंग जो है समंदर फैला हुआ था जिसने स्पेन को अफ्रीका से अलग किया हुआ था, दोनों की बंदरगाहों को अलग किया हुआ था, जब तारिक बिन ज़ियाद वहाँ पर पहुँचा अपने आदमियों के साथ एक छोटी सी बोट में, तारिक वॉज ऑन द लास्ट बोट, तारिक जो है वो सबसे आखिरी कश्ती में था, एंड फेल असलीप जस्ट फॉर अ मोमेंट, और सिर्फ एक लम्हे के लिए उसकी आंख लगी वो सो गया। ही सडनली सॉ द विजन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन विद अ ब्राइट शाइनिंग फेस, उसने देखा कि उसने उसके पास एक बड़ा ही खूबसूरत आंखों वाला और चमकदार इंसान चेहरे वाला आया है। ही एग्जूडेड गुडनेस एंड नोबिलिटी एंड ही वॉज स्माइलिंग, कि उसमें से अच्छाई निकल रही है, एग्जूडेड होता है डिस्चार्ज होना, कि उसके अंदर से निकल रही है अच्छाई और नेकी और वो मुस्कुरा रहा है। तारिक वॉज स्टर्न, तारिक बड़ा हैरान हुआ। हु आर यू, आप कौन हो, ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा। तारिक हैड मैनी अ टाइम सीन द सन राइज ओवर द होराइजन बट ही हैड नेवर सीन अ विजन एज कमिंग टू द सोल एज दिस, तारिक ने कई बार देखा था कि सूरज जो है वो उभर रहा है लेकिन उसने जितना अब वो खूबसूरत और रूह को सुकून देने वाला जो वो विजन देख रहा था, ख्वाब देख रहा था, वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। द विजन रिप्लाइड स्माइलिंगली, कि जो विजन है जो सामने साया है उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आई हैव कम टू
कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर विक्ट्री इन अंदलस, मैं आया हूँ यहाँ पर तुम्हें अंदलस में फतेह फातेह होने की मुबारकबाद देने के लिए। विद दिस, इसके साथ ही डिसअपियर्ड, वो वहाँ से गायब हो गया। तारिक अवोक विद अ स्टार्ट, तारिक फटाफट उठा। हिज द बोट हैड ऑलमोस्ट रीच्ड द शोर, किनारे पर पहुंच चुकी थी ऑलमोस्ट उसके जो कश्ती है। एंड द सोल्जर्स वर रेडी फॉर बैटल द मोमेंट दे लैंडेड, और जैसे ही वो लैंड किए तो उनके जो सिपाही थे वो जंग के लिए तैयार थे। एज सुन एज जनरल तारिक डिसम्बार्क, जैसे ही जनरल तारिक जो वहां पर उतरा, He gave the most unusual of commands. उसने बड़ी ही गैर मतवक्के किस्म की कमांड दी, हुक्म दिया। He ordered all the ships to be set blaze. उसने हुक्म दिया कि जितने भी कश्ती हैं उन सबको जला दो। His puzzled subordinates had no choice but to obey. लेकिन उसके जो puzzled परेशान जो सिपाही थे उनके पास और कोई choice नहीं थी सिवाय इसके कि वो उसकी बात माने। As the ships were light, जैसे ही कश्तियों को जलाया गया, massive columns of smoke could be seen billowing over the horizon, कि जैसे ही कश्तियों को जलाया गया बहुत ज़्यादा तादाद में धुआं जो था वो उफक की तरफ ऊपर को उठने लगा। Blacker than the devil's soul, devil's soul mean शैतान की रूह, शैतान की रूह से भी ज़्यादा काला था वो धुआं। Towers of red hot flames devoured the Arab fleet. Arab fleet जो है वो उसको खा गए, मतलब उसको छुपा दिया, उसने वहाँ सिर्फ धुआं धुआं नज़र आ रहा था। The thick black smoke rose to meet the clouds above. काले रंग का जो धुआं था तो वो आसमानों को मिलने लग गया जाके। The blazing ships engulfed the horizon as far as the eye could see. और धुएं ने जलते हुए जहाज़ों का जो धुआं था उसने कवर कर लिया उफक को, आसमान को, जहाँ तक हमारी आँख देख सकती थी। With a thunderous roar, the mast and sail sizzled and crashed into the water, which was already a sea of scorching flames. के एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ आई और जो शहतीर थे, जो कुछ भी था कश्तियों का, वो सब एकदम से जो है वो क्रैश हो गया और समंदर में डूब गया, जैसे कि वह पहले ही समंदर में वो जल रहे थे। दिस मैन हिज मैन वर स्टंड, उसके आदमी जो है बड़े परेशान थे, हैरान थे। एट द साइट अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ देयर आइज एंड दे लुक्ड एट तारिक बिन ज़ियाद पजल फेसिस, कि वो बड़े पजल फेसिस के साथ उन्होंने तारिक बिन ज़ियाद की तरफ वो देख रहे थे। मैनी ऑफ द सोल्जर्स हैड सीन मच डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेटिंग बिफोर के, बट नेवर हैड दे बीन विनर्स विटनेस्ड फॉर कमांडर ऑर्डरिंग हिज फ्लीट स्टॉर्म, कि बहुत सारे सिपाही जो थे वो बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ भी देख रहे थे और वो, लेकिन वो क्योंकि कमांडर ने उनको कमांड दी हुई थी तो वो उन्होंने ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपना काम करना था। स्पेशली नॉट अ कमांडर ऑफ द लाइक्स ऑफ तारिक बिन ज़ियाद, स्पेशली तारिक बिन ज़ियाद जैसा जो कमांडर था उसकी बात उन्होंने माननी थी। विद द फ्लीट कम्प्लीटली बर्न एंड कंज्यूम्ड इन द इन्फर्नो, के समंदर में मुकम्मल तौर पर जब डूब गया, ख़त्म हो गया फ्लीट पूरा जो बहरी बेड़ा था। द कमांडर एड्रेस्ड हिज 300 कैवलरी एंड 7000 ट्रूप्स, के घड़सवार, 300 कैवलरी मतलब कैवलरी कहते हैं घड़सवार को, जो उनकी 300 के करीब घड़सवार फौज थी और 7000 जो थे वो पैदल चलने वाले थे, ट्रूप्स थे। उसको उन्होंने कमांडर को ने उनसे एड्रेस किया, उनसे बात की। ओ माई फेलो मुस्लिम्स, ओ मेरे साथी मुसलमानों, Know that there is a sea behind you and the enemy in front of you. तुम जानते हो कि अब समंदर तुम्हारे पीछे है और दुश्मन तुम्हारे आगे है। By Allah, you have no fleeing from this test. अब तुम इस अल्लाह की मदद से अब तुमने अब इस टेस्ट को पास करने पड़ रहा है, तुम इससे बच नहीं सकते हो। The enemy is powerful and outnumbers us. दुश्मन तुमसे ज़्यादा ताकतवर है और तादाद में भी ज़्यादा है। They are 30,000. वो 30,000 हैं। However, I have been given glad टाइडिंग सो फार विक्ट्री, लेकिन मैंने हमारी फतह की लहरों को देखा है। देर इज़ नो स्केप एक्सेप्ट टू फाइट ऑनरेबली, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम बहादुरी से लड़ें। वी शैल नाउ इधर डिफीट द एनिमी, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, या तो हम दुश्मन को शिकस्त दे दें एंड विन और जीत जाएँ, और डाई अ कॉवर्ड्स डेथ बाई ड्राइंग इन द सन, या फिर एक बुजदिल की मौत मरें और समंदर में डूब जाएँ। इफ़ यू परसिस्ट एंड आर स्टेडफास्ट फॉर अ फ्यू डेज, अगर तुम ठीक रहोगे और कुछ दिन तक साबित कदम रहोगे अपने कदमों पर, देन योर एंटायर लाइफ विल बी फिल्ड विद अन इमेजिनेबल लग्जरीज, तो तुम्हारी ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली जो है वो लग्जरी से आसाइशात से भर जाएगी। विक्ट्री विल बी आर्स, और फतह हमारी होगी। हु विल फॉलो मी, कौन मुझे फॉलो करेगा? इंस्पायर्ड तारिक, तारिक ने बताया, इंस्पायर किया। ही वेंट ऑन द से दैट ही वॉज द फर्स्ट वन टू एक्सेप्ट द चैलेंज, और उस वो आगे आया ताकि उसने ये साबित किया कि वो पहला है
जिसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट डेट वैन ही अटैक द एनिमी, और वो इस बात पर कॉन्फिडेंट था कि जब वो एनिमी पर अटैक करेगा हिज मैन वुड फॉलो विद द सेम जील, तो उसके जो आदमी है वो भी सेम जज्बे के साथ उसके ऊपर जो है वो उसके साथ मिलकर काम करेंगे। विद साइड हेयर, अपने रफ बालों के साथ, एंड फेसिस ब्लैक विद सूट, के ब्लैक अपने जो धुआं था उसके जब उसके बाल ब्लैक हो गए, फेस ब्लैक हो गया, उसके साथ उसने दे हार्ट्स एंड सोल्स ग्लोड विद द लाइट ऑफ ईमान, उनके रूह उनके दिल जो है वो ईमान की रोशनी से जगमगा रहे थे। द सोल्जर्स गेव अ माइटी क्राई ऑफ अल्लाह अकबर एंड चार्ज टूवर्ड्स द एनिमी, और जो सोल्जर्स थे वो अल्लाह अकबर की आवाज़ के साथ भड़े और उन्होंने दुश्मन के ऊपर हमला कर दिया। जी, अब पार्ट टू स्टार्ट हो गया है हमारा, पेज नंबर 86, पैराग्राफ नंबर 7। मूसा टुक अ डीप ब्रेथ एंड फाल्टर जस्ट अ सेकेंड, मूसा ने एक लंबा सांस लिया और कुछ देर के लिए रुक गया, पॉज किया उसने। ही रीच्ड इनटू हिज रोब एंड ब्रॉट आउट अ बॉटल ऑफ टेपिड वाटर, वो पहुंचा अपनी उसकी जो जंबील सी थी, जो बैग सा था उसके पास, उसके अंदर से उसने नीम गर्म पानी की बॉटल निकाली। He liberously took a drink and then slowly continued as if it to himself. उसने जल्दी से दो घूंट पानी पिया और उसके बाद वो आहिस्ता से दोबारा से अपनी बात करना शुरू हो गया, जैसे कि वो सिर्फ अपने आप से ही बात कर रहा हो। For has not Allah promised victory to the righteous? तो क्या अल्लाह ने सही इंसान के लिए फतेह का, कामयाबी का वादा नहीं किया? How oft by Allah's will hath a small force वैनक्विश्ड अ बिग वन, के किस तरह से हो सकता होता है कि अल्लाह पाक की मदद से बहुत थोड़ी तादाद में जो फोर्स है वो बहुत बड़ी तादाद को ख़त्म कर दे। अल्लाह इज़ विद दोज हु स्टेडफास्टली प्रिजर्व, सूरह बकरा, कि अल्लाह उनके साथ है जो सीधे रास्ते पर चलते हैं और उसके ऊपर कायम रहते हैं। किंग रॉड्रिक ऑफ स्पेन वॉज बोथ सरप्राइज एंड एंग्री एट द डेयरिंग ऑफ द मुस्लिम्स, कि किंग रॉड्रिक जो था, जो स्पेन का किंग था, वो बड़ा हैरान भी हुआ और उसका बड़ा गुस्सा भी आया मुसलमानों की जुर्रत पे। प्लेसिंग हिमसेल्फ एट द हेड ऑफ अ ह्यूज आर्मी ऑफ नियरली 30,000, के उसने जब अपने आप को रखा कि वो 30,000 जो आर्मी की फोर्स है उसका हेड है, उसके हेड के अकॉर्डिंग उसके बलबूते पर द किंग पब्लिकली टूक एन ओथ, कि उसने पब्लिक में जाके अवाम में जाकर एक वादा किया दैट ही वुड क्रश द इन्वेडर्स, कि वो हमला करने वालों को क्रश कर देगा, एंड थ्रो देम इनटू द सी थ्रू विच दे हैड कम, और उनको उन्हीं समंदर में फेंक देगा जिससे वो निकल कर आए हैं। द विजिगोथ आर्मी वॉज कॉन्फिडेंट ड्यू टू देयर अपेरेंट सुपीरियरिटी इन नंबर्स, जो विजिगोथ की आर्मी थी वो अपने जो उनकी सुपीरियरिटी थी कि वो नंबर में ज़्यादा हैं उस पर बड़ी वो कॉन्फिडेंट थी, बड़ा उनको प्राउड फील था। हाउ कुड दे अंडरस्टैंड द जील ऑफ इस्लाम, लेकिन वो किस तरह से इस्लाम के जज्बे को समझ सकते थे, वो नहीं समझ सकते थे ना इस चीज़ को। द लव ऑफ अल्लाह सुबहान व तआला एंड द सेक्रीफाइसेस द मुस्लिम्स वर रेडी टू मेक फॉर देयर रिलीजन, और अल्लाह पाक से मोहब्बत को और उन कुर्बानियों को जो मुसलमान तैयार रहते थे अपने मजहब के लिए देने के लिए। द विजिगोथ्स हैड लॉन्ग अगो लॉस्ट देयर पैशन फॉर राइटियसनेस एंड जस्टिस, विजिगोथ्स ने बहुत लंबे अरसे पहले ही अपना जज्बा खो दिया था, क्योंकि वो ना तो सीधे रास्ते पर थे और ना ही इस्लाम के, या फिर ना ही वो इंसाफ के रास्ते पर थे। ऑन द बैटल फील्ड, मैदान जंग में, द विजिगोथ आर्मी हैड ऑल द वर्ल्डली एडवांटेजेस, कि विजिगोथ की जो आर्मी है उसके पास दुनिया की हर तरह का फ़ायदा मौजूद था। बेटर वेपन्स, बेहतरीन हथियार थे, प्लेंटीफुल सप्लाइज, बेहतरीन सप्लाई थी हर चीज़ की, मैसिव आर्मी और एक बड़ी तादाद में आर्मी थी। द मुस्लिम हैड नथिंग, मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था, बट हैड एवरीथिंग, लेकिन हर चीज़ थी। Blind faith in the will of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pak ke upar andha aitmad, was all they really acquired, ye wo cheez jo unko required thi, jo unko chahiye thi। On the 19th of July, 19 July ko, in the first rays that flittered through the darkness in the east, mashriq se jo cheez nikli thi, pehli jo ray nikli thi suraj ki, the two armies faced each other, dono armies ek dusre ke samne aa gayi, armies ne ek dusre ko dekh liya। Both sides battled furiously and many lives were lost, दोनों तरफ से जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से लड़ी और बहुत सारी जानें ज़ाया हो गई। With the outcome unsettled, कोई रिजल्ट ना निकला इसका, the soldiers of Allah and those of the king
रिटर्न टू देयर कैंप्स एज अ सनसेट, कि अल्लाह ताला के सिपाही और किंग के जो सिपाही थे वो सब अपने कैंप में, जैसे ही सूरज गुरूब हुआ तो वो सब अपने कैंप में वापस चले गए। दस इट कंटिन्यूड फॉर 7 days, यहाँ तक कि ये जंग जो है ये 7 दिनों तक जारी रही। ईच डे एंडिंग विद बोथ आर्मीज टॉइंग विद द आइडिया ऑफ डिफीट, और हर दिन जो है वो इस आइडिया के साथ ख़त्म होता था दोनों तरफ से कि हम दूसरी आर्मी को शिकस्त दे देंगे। द 27th of July वॉज द डे तारिक ऑड to himself had the soldiers of Allah subhanahu wa ta'ala would emerge victorious. कि 27th of July वो दिन था जब तारिक ने प्रॉमिस किया, वर्ड होता है प्रॉमिस करना, उसने अपने आप से प्रॉमिस किया और अपने सिपाहियों से कि वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, अल्लाह ताला के की ब्लेसिंग से जो है वो विक्टोरियस होगा, वो बहादुरी की वजह से फतेह जो है वो हासिल करेगा। ही रोज बिफोर डाउन एट फजर, वो फजर की नमाज से भी पहले उठा एंड प्रे टू हिज क्रिएटर फॉर हेल्प एंड विक्ट्री, और अपने बनाने वाले से उसने मदद तलब की और फतह तलब की। देन ही एम्बार्क्ड ऑन हिज स्पेशल मिशन, और फिर अपने वो स्पेशल मिशन की तरफ चल पड़ा। ही ब्रीफ्ड हिज आर्मी ऑन द प्लान ऑफ अटैक, उसने अपनी आर्मी को ब्रीफ किया, ब्रीफ्ड हिज आर्मी कि उसने ब्रीफ किया अपनी आर्मी को अटैक के वक्त का जो प्लान था उसके बारे में। ही वुड अटैक एट द हार्ट ऑफ द विजिगोथ डिफेंस एंड गेट टू किंग रॉड्रिक हिमसेल्फ, के वो विजिगोथ आर्मी के जो डिफेंस है बेहतरीन, जहाँ पे डिफेंस है उसका जो हार्ट है वहाँ पे हमला करेगा और किंग रॉड्रिक तक पहुँच जाएगा, खुद जो है वो वहाँ पे जाएगा। द विजिगोथ्स वर स्टार्टल्ड अवेक एट द क्रैक ऑफ डॉन बाय शाउट्स ऑफ अल्लाह अकबर, कि विजिगोथ जब अचानक उठे तो उन्होंने एक शाउट सुना अल्लाह अकबर का और उनके ऊपर हमला हो गया। द स्ट्रॉन्ग वॉइसेस एंड द बीविंग फेसेस ऑफ द सोल्जर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेड बाय द मैग्नेटिक पर्सनैलिटी ऑफ तारिक बिन ज़ियाद वर सीन रेसिंग टूवर्ड्स देम, कि उन्होंने देखा कि बहुत ही मजबूत आवाज़ों वाले चेहरे, चमकते हुए चमकदार और जो बड़ी मकनतीसी शख्सियत तारिक बिन ज़ियाद की उसकी क़यादत में उनकी तरफ भागे चले आ रहे हैं। कॉट बाय सरप्राइज वो हैरान हो गए, द विजिगोथ्स स्क्रैम्बल्ड वो डर गए, रनिंग हेल्टर स्केल्टर वो गिरते पड़ते इधर उधर भागते पड़ रहे थे, दे वर कंप्लीट मायम वो बिल्कुल तबाही के नज़दीक थे। They were abandoning their post, वो तर्क कर दी उन्होंने अपनी पोस्ट को, their land अपनी ज़मीन को, and their king और अपने बादशाह को, the utter lack of charismatic leadership के दिलकश जो उनकी leadership थी उसकी उन कमी थी, wreaked chaotic havoc among the ranks के अफरातफरी जो है वो फैला दी, तबाही फैला दी उन सब में कि उनके पास बेहतरीन leadership नहीं थी, उस कमी की वजह से उनमें अफरातफरी फैल गई, बर्बादी फैल गई, एंड अल्टीमेटली ड्रैग देम टू द डेप्थ्स ऑफ डिफीट, और आखिरकार वो शिकस्त के कुओं में धकेल दिए गए। किंग रॉड्रिक ट्राई टू स्केप हिज वर्ल्डली मिजरी बाय जंपिंग इन द सी, किंग रॉड्रिक ने जो है वो अपनी दुनियादारी बचाई, अपने आप को बचाया कि उसने अपने अल्फाज को बचा लिया, उसने खुद से ही समंदर में जंप कर दिया, एंड इंस्टेड सॉ द एंड ऑफ वर्ल्डली लाइफ एज वेल, और उसने दुनियावी जिंदगी को भी ख़त्म समझ लिया। देयर द ओशन वेव्स दैट हैड बीन हिज होम इनगल्फ्ड हिम, और वही लहरें समंदर की जो उसका घर थी उसने घेर लिया। ही ड्राउन्ड टू हिज डेथ, और वो अपनी मौत तक पहुंच गया, अपने अंजाम को पहुंच गया। इन अ वाटरी ग्रेव इन द मर्की डेप्थ्स ऑफ द सी बिलो, वो स्ताख लहरें जो है उन्होंने उसको अपनी कब्र बना लिया। विद द एंड ऑफ इट्स माइटी किंग, इस अजीम किंग जो है वो उसकी एंड के साथ ही, हु डाइड ट्राइंग टू फ्ली, जो भागते हुए मर गया। स्पेन वॉज लेफ्ट विदाउट अ लीडर, स्पेन किसी भी लीडर के बगैर रह गया। द रैब्स अंडर तारिक बिन ज़ियाद, अरेब्स तारिक बिन ज़ियाद के रहनुमाई में कंकर्ड अंदलस, उन्होंने अंदलस को कंकर्ड कर दिया, उसको फतह कर लिया, एंड रूल फॉर द नेक्स्ट 800 years, और अगले 800 साल तक उन्होंने वहाँ पर हुक्मरानी की। इन 712 CE आई ज्वाइन तारिक विद रेनफोर्समेंट्स, फिर 712 में मैंने तारिक को ज्वाइन किया। मैं कौन जो कहानी सुना रहा है, मूसा बिन नसर, उसने जो है वो कहता है कि फिर मैंने 712 में तारिक को ज्वाइन किया एंड प्रोसीडेड टू कंकर सिटीज फर्दर वेस्ट ऑफ जिब्राल्टर, और फिर आगे तक जो जितने भी सिटीज़ थी उन सबको जिब्राल्टर तक जो है वो उन सिटीज़ को कंकर करने के लिए नेक्स्ट हमने अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। व्हेन द कैलिफ वलीद वन डाइड, जब कैलिफ वलीद वन जो है वो उसकी डेथ हो गई, वो फोर्थ हो गया, हिज यंगर ब्रदर सुलेमान बिन अब्दुल मालिक took his place as was a custom in those days, कि जब खलीफा वन जो है वलीद उसकी डेथ हो गई तो उसका छोटा भाई सुलेमान
बिन अब्दुल मालिक, उसने उसकी जगह ले ली जैसे कि उन दिनों में रवाज था। ही रिकॉल्ड एंड इम्प्रिजन तारिक एंड माई सेल्फ, उसने मुझे और तारिक को इम्प्रिजन कर लिया, उसको पकड़ लिया, जेल में भेज दिया। सुलेमान वाज पेट्रीफाइड, पत्थर का बन गया, दैट द सोल्जर्स ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला रेबल अगेंस्ट हिम, कि वो उस चीज़ पे उबड़ा हुआ कि जो अल्लाह पाक के जो सिपाही थे उन्होंने उसके खिलाफ बात कर दी है, रेबल हो गए हैं, वो उसके खिलाफ हो गए हैं। अमंग अस, हमें, वी हैड 3/4 ऑफ द सल्तनत एंड ऑलमोस्ट इट्स एंटायर आर्मी एट आर कमांड। आई मूसा बिन नसर तारिक हैड नॉर्दर्न अफ्रीका एंड यूरोप, कि हमें, मैं और तारिक जो हैं, हमें नॉर्थ अफ्रीका भेज दिया गया, और यूरोप मोहम्मद बिन कासिम हैड द सब कंटिनेंट। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो बरे सगीर में, एंड कुतैबा हैड रीच्ड ऑल द वे टू चाइना, वो जो है वो चाइना चला गया। वी वर द गेट वे टू बगदाद एंड कैलिफेट, और खिलाफत और बगदाद जो है उसका हमें दरवाज़ा खोला। देयरफॉर सुलेमान कन्फाइंड अस टू सिक्योर हिज इंटरेस्ट, कि सुलेमान ने अपने मफादात के लिए हमें इस्तेमाल करना शुरू किया। सुलेमान डिड वट एनी रूरल वुड हैव डन टू प्रोटेक्ट द सल्तनत, सुलेमान ने वही सारा कुछ किया जो कोई भी हुक्मरान जो है वो अपने सल्तनत को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए करता है। एंड इन इट्स वेक इस्लाम फ्रॉम बींग डिवाइडेड ड्यू टू मैंस लाइक्स एंड एवर्जेंस, और इसी के दौर में जो है वो इस्लाम लोगों की पसंद और नापसंद के मुताबिक ढलता और बदलता गया। आई वॉज थ्रोन इन टू प्रिजन एंड देयर आई रिमेन, मुझे जेल में फेंक दिया गया और जहाँ मैं अभी तक मौजूद हूँ। माई सन्स हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ माई प्लाइट, मेरी हालत इज़हार के बारे में मेरे बच्चों को नहीं बताया गया, मेरे बेटों को नहीं बताया गया। सो हियर आई एम फोर्स टू बैग सो आई कैन पे द फाइन ऑफ 20 lakh dirhams फॉल्सली इम्पोज ऑन मी बाई सुलेमान, के और मुझे यहाँ पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया गया कि मैं इतने दरहम जो हैं वो इकट्ठे कर सकूँ जो गलत तरीके से मुझ पर इम्पोज किए गए हैं, कि मैं इतना फ़ाइन जो है वो जमा करवाऊँ सुलेमान की तरफ से, एंड बी रिलीज और अपने आप को आज़ाद करवा लो। इन्फॉर्म मूसा, मूसा ने इन्फॉर्म किया। एज ही एंडेड हिज स्टोरी, जैसे उसने अपनी कहानी ख़त्म की। वी विल मेक श्योर योर सन्स फाइंड आउट, इंटरजेक्टेड अमार, हम कोशिश करेंगे कि आपके बेटे आपको ढूंढ लें। अमार ने उसको बताया, उसको कहा, दिस इज़ आर प्लेज टू यू, ये हमारा एक प्रॉमिस है आपसे। अफर्म बिलाल, बिलाल ने इस बात को कन्फर्म किया। सन्स, ऑल विल ओनली हैपन्स एज अल्लाह सुबहान व तआला प्लीजेस, मेरे बेटो सब कुछ तभी होता है जब अल्लाह पाक की मर्जी होती है। रिप्लाइड अ सोम्बर मूसा, अफसुरदा मूसा ने जो है वो जवाब दिया, सोम्बर होता है अफसुरदा। द टू टर्न्ड टू लुक एंड रियलाइज दैट द रोड वॉज क्लियर, वो दोनों मोड़े और उन्होंने देखा कि सड़क जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। दे मूव टू वर्ड द सिटी एंड सेंटर एंड बेड फेयरवेल टू मूसा, वो सब सिटी सेंटर की तरफ भड़ गए और मूसा को अलविदा कह दिया। इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री वी रीड दैट मूसा नेम्ड बोथ हिज सन सक्सेसर्स आफ्टर हिम, हम ये देखते हैं, अगर हम पीछे हिस्ट्री में देखें तो हम ये देखते हैं कि मूसा के जो दोनों बेटे थे वो भी फाते लोगों के तौर पर सामने आए हैं। ही नेम्ड अब्दुल अजीज द गवर्नर ऑफ अनंदलस, के पहला जो था वो अब्दुल अजीज था जो अनंदलस का गवर्नर बना, एंड अब्दुल्ला द गवर्नर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, और अब्दुल्ला जो कि नॉर्थ अफ्रीका का गवर्नर था। बिफोर अब्दुल अजीज कुड गैदर फोर्स, इससे पहले कि अब्दुल अजीज जो है वो अपनी फोर्स को इकट्ठा करता, टू हैव हिज फादर रिलीज, अपने फादर को आज़ाद करवाने के लिए, सुलेमान्स आर्मी मार्च, सुलेमान की आर्मी मार्च करते हुए आई। वो कहता है कि जैसे ही मेरे बेटों को पता चला वो मेरे पास आते, सुलेमान पहले उनकी तरफ भड़ गया और उनको मार दिया। द हेड वॉज प्रेजेंटेड टू मूसा इब्ने नसर इन प्रिजन, और उनका जो सर था वो मूसा बिन इब्ने नसर को उसकी कैद में पेश किया गया। द ब्रोकन एंड रिजाइंड ओल्ड मैन, एक टूटा हुआ और बहुत बुढ़ा इंसान, नाउ अ शेल ऑफ हिज फार्मर रिगल, अपने शहाना अंदाज में फोर्स टू बेग फॉर हिज रैंसम ऑन द स्ट्रीट्स, कुड नॉट बेयर दिस पेन एंड ह्यूमिलिएशन, तो उसको मजबूर किया गया कि वो गलियों में जाए और भीख मांगे, और इस बेइज्जती को, उस दर्द को वो बर्दाश्त ना कर सका। दिस वॉज अ लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, ये आखिरी हथियार था उनका। एंड द फादर कुड नॉट टेक इट एनी मोर, और फादर जो है वो उनको ज़्यादा देर तक इस चीज़ को बेयर ना कर पाया। अल्लाह सुबहान व तआला एलिविएटेड मूसास पेन एंड ट्रेल, अल्लाह पाक मूसा के वक्त के जो दर्द है और उसकी जो मुश्किलात है उसको खत्म करे, कम करे। ही डाइड इन प्रिजन, वो जेल में ही, कैद में ही मारा गया। एज अ मैन हु हैड लॉस्ट ऑल हिज फॉर्मर ग्लोरी, वो इंसान जिसने अपनी सारी बादशाहत, अपनी शाहाना जिंदगी खो दी थी। एज फॉर तारिक बिन ज़ियाद, जैसे तारिक बिन ज़ियाद की बात की जाए, ही वॉज ट्रैप्ड, उसको
ट्रैप किया गया, पकड़ा गया एंड जेल टू रिमेन इन दमस्कस, और दमस्कस में इसको कैद कर दिया गया। द बर्बर हु वॉज फेमस फॉर स्केलिंग न्यू हाइट्स फॉर इस्लाम, बर्बर कहते हैं शुमाली अफ्रीका के जो मुकामी लोग हैं उन्हें, उन्होंने जो है वो इस्लाम की बुलंदी के लिए बड़ा काम किया। हु कुड नॉट स्टे इन वन प्लेस लॉन्ग इनफ फॉर द ग्रास टू ग्रो अंडर हिज फीट, वो ज़्यादा लंबे तक एक जगह पर नहीं रुक सकते थे। हैड बीन रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन सिटी, उनको उनके पाँव में ही ऐसी कुछ चीज़ें थी कि वो एक जगह पर एक सिटी में रह नहीं सकते थे। मतलब ये बात कहने की ये है कि उनको एक सिटी में वो रुक नहीं सकते थे, वो जगह जगह फिरते रहते थे। दिस वॉज अ फार क्रूलर एंड द स्लोअर डेथ्स फॉर अ मैन ऑफ द माउंटेन्स हु कुड ओनली बी अलाइव इन द ओपन स्काई अंडर अल्लाह सुब्हान व तआला प्रोटेक्शन, और यही वो एक आदमी था चट्टान जैसा आदमी जो कि जो अल्लाह ताला की हिफाजत में था और खुले आसमान में भी बेफिक्री से फिर सकता था। इमेजन वट कुड हैव बीन, इमेजन करें क्या होता इफ तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम एंड मूसा बिन नसर हैड नॉट बिन रिकॉल्ड, कि उनको याद ना रखा जाता। कि इमेजिन करें कि अगर मूसा बिन ज़ियाद हो गया, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम और मूसा, जो इन सबको याद ना रखा जाए। इमेजन वट हाइट्स इस्लाम वुड हैव स्केल्ड हैड दे बीन अलाउड टू कंकर ऑल ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका, कि इमेजन करें कि इस्लाम ने किस किस्म की बुलंदियाँ हासिल की उनके दौर में, अफ्रीका में भी यूरोप में भी, क्या फतह हासिल की इस्लाम ने। द इमेज दैट कम्स टू आर माइंड इज़ ग्लोरियस, कि हमारे दिमाग में जो एक इमेज उभरता है वो बड़ा शानदार है। हाउएवर वी नो दैट, बेशक हम सब ये बात जानते हैं, ऑल इवेंट्स आर डिटरमाइंड एंड शेप बाय अल्लाह सुबहान व तआला, कि जो कुछ भी होता है, जो चीज़ें भी होती हैं, वो सब अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होती हैं, अल्लाह पाक ने उनको शेप किया हुआ होता है और वो एज इट इज़ ही होनी होती हैं, विदाउट हिज विल, और उसकी मदद के बगैर नथिंग कैन बी, कुछ भी नहीं हो सकता। कि जो कुछ होता है, जैसे भी होता है, वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होता है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। एवरी वन हैज़ टू डाई, सबको एक दिन मरना है, एंड देयरफॉर वी शुड सबमिट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़मीन, इसलिए हमें अल्लाह पाक की मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहिए। मतलब वो ये कह रहा है कि सब कुछ जो भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है और अल्लाह पाक ही करते हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर हम एक पत्ता तक नहीं हिला सकते। तो सबको मरना है, कि सब ने मौत का जायका तो चखना है, और जो कुछ भी अल्लाह पाक की मर्ज़ी होती है अल्लाह पाक उसको कर देते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओपन पेज नंबर 93, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, वर्ड स्टडी। इसमें वर्ड्स हैं और इनके सैनोनिम्स, आपने आगे तीन तीन सैनोनिम्स राइट करने हैं। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, हैड इट मीन्स डिपार्ट, सेट आउट, मूव आउट। सेकेंड है स्टंड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड। नेक्स्ट आपके पास आ गया चार्ज्ड, चार्ज्ड मीन्स फाइन, accused, blamed, faltered, tired, real, hesitation, scrambled, climbed, jumbled, clumbered, a burning, uncontrolled, wildness, give up, dragged, pulled, tugged, dropped, escaped है, synonym है flee, remove, run away, next आ गया है flee, escape, run away, take off, last one is proceeded, that means continued, carry on, gone. जी नेक्स्ट इसी पेज पे है आपका पार्ट सी है, कंप्लीट द फैमिली। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है और एडवर्ब है। सक्सेस, सक्सेसफुल, सक्सीड, सक्सेसफुली। द सेकेंड वन इज़ आपको एडजेक्टिव देख दिया गया है, क्वाइट, तो नाउन होएगा क्वाइटनेस, वर्ब है क्वाइट, एडवर्ब है क्वाइटली। नेक्स्ट उन्होंने आपको एडवर्ब दिया है अमेजिंगली, जिसका नाउन होगा अमेजमेंट, एडजेक्टिव है अमेजिंग, वर्ब है अमेज। नेक्स्ट उन्होंने आपको नाउन दे दिया है हेस्ट, मतलब जल्दबाजी, हेस्ट, हेस्ट, हेसन, हेस्टली। नेक्स्ट आपको एडजेक्टिव दिया है फ्राइटफुली, फ्राइटफुल, फ्राइटफुल कहते हैं खौफ को, खौफजदा हो जाने को। नाउन है फ्राइट, वर्ब है फ्राइटेंट, एडवर्ब है फ्राइटफुली। नेक्स्ट आपको एडवर्ब दिया है इक्वली, नाउन है इक्वलिटी, इक्वल,
वर्ब भी इक्वल हो सकता है, एडवर्ब इक्वली उन्होंने दे दिया आपको। लास्ट वन इज वर्ब दिया है ब्यूटीफाई, तो नाउन होगा ब्यूटी, ब्यूटियस भी हो सकता है। एडजेक्टिव होगा ब्यूटीफुल, वर्ब आपको दे दिया है, एडवर्ब है ब्यूटीफुली। नेक्स्ट आपके पास आया है एट पे है अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट और एडवर्ब उन्होंने आपको दे दिया है अट्रैक्टिवली। नेक्स्ट है टेरर, टेरिबल, टेरिफाई, टेरिबली। एंड द टेंथ लास्ट वन सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई, सेटिस्फैक्ट्रीली। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पेज नंबर 94 पे ही हमारे पास जी पार्ट है, यूजिंग एज मैनी ऑफ दिस वर्ड्स राइट टू पैराग्राफ्स डिस्क्राइबिंग द बर्निंग ऑफ द शॉप। इसको हमने कंप्लीट करने, आपको वर्ड्स दे दिए गए हैं, आपने इन वर्ड्स को लेकर नीचे ब्लैंक्स को फिलअप कर देना है। दिस ईयर्स क्लास 7 इज वेल ऑन देयर वे टू सक्सेस इन फाइनल एग्जामिनेशंस थैंक्स टू ऑल देयर हार्ड वर्क। नंबर 2, ही पुल्ड हिज हॉर्स टू अ स्टॉप एज ही नियर्ड द मार्केट प्लेस। नंबर 3, वेयर इज योर मदर क्विज्ड मिस्टर मिसिस वकार, she headed out at noon to meet you at the coffee shop. Number 4, the injured man was bleeding profusely. The driver of the ambulance decided to step on the accelerator to rush him to the hospital. Number 5, Abid was already late for his meeting. He decided to cut across Mr. Chima's lawn to save time. And the last one, number 6, I had been to the masjid but didn't see any gods there. Did you? Okay students, page number 91 है। इस पे आप ये statement है, एक के read the text and fill in the given flow chart. The flow chart is numbered. Answer the question and fill in the answers correctly in the flow chart. एक तरह से ना ये short questions हैं, आपको इन्हें fill up करना है, ठीक है, इन short questions को। अब क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लें, अपने बुक पे भी देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट आपको अब मैं पिक्चर शो करवाऊंगी उसमें मैंने नंबरिंग दे के इसके आंसर राइट कर दिए हैं, तो आप क्वेश्चंस अपनी बुक से देख के आंसर वहाँ से जो भी मैं आपको शो करवाऊंगी यहाँ से देख के अपनी नोटबुक पे राइट कर लीजिएगा। बेशक अपनी बुक पे ही यहाँ पे राइट कर लेना, नो इशू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो स्किप है, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, 10 वाला हमने नहीं करना है जी। ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चंस दिखाए थे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ये उनके आंसर हैं। नंबरिंग मैंने कर दी है साथ के साथ, और ये इसके आंसर्स हैं। यहाँ से आप इसको अपनी नोटबुक के ऊपर क्वेश्चन राइट कीजिएगा, फिर उसका आंसर राइट कर लीजिएगा। आप अपने इसको अपने बुक के ऊपर भी हर क्वेश्चन के सामने राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक्सरसाइज भी जो बाकी रह गई है वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगी। अब यहाँ तक आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई है, जो बात नहीं समझ में आई, फील फ्री टू टेल मी, मुझसे पूछ लें, बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ लें, बेशक आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।